तो हम लोग इस अभ्यास को जारी रखते हैं। हिंदी में सुख स्वभाव है या प्रभाव है, इसको हम लोग अपने आप में देखने का अभ्यास कर रहे थे। उसी क्रम में ये बात ध्यान में आई थी कि सुख के तीन स्रोत हो सकते हैं। एक तो स्वयं में सही समझ, दूसरा सही भाव। सही भाव में दो संभावनाएं हैं, कि वो स्वयं में स्थापित हो जाए या दूसरे से मिल जाए, और तीसरा शरीर से मिलने वाली संवेदना। तो थोड़ा विश्लेषण करके, जांच परख करके ये दिखाई देता है कि जो शरीर से मिलने वाली संवेदना है, उससे जो मिलने वाला सुख है, उसमें न तो निश्चितता है, न निरंतरता है, और परतंत्रता है, उसका कोई तृप्ति बिंदु भी नहीं है। वैसे ही दूसरे से मिलने वाले भाव के अगर देखें तो वहां भी यही बात दिखाई देती है कि उसमें न तो निश्चितता है, न निरंतरता है, परतंत्रता है, और उसमें कोई तृप्ति बिंदु नहीं है। परंतु यदि सही भाव हमारे अंदर स्थापित होता है तो उसमें निश्चितता दिखाई देती है, निरंतरता दिखाई देती है, तृप्ति बिंदु दिखाई देता है, स्वतंत्रता दिखाई देती है, दूसरे के ऊपर निर्भरता नहीं है। सही समझ के साथ यही बात दिखाई देती है। इस पूरे अभ्यास में जो शिफ्ट अपने को मिलना है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो ये है कि हम परतंत्र से स्वतंत्र हो जाए। ये जो बाहर से दूसरे से अनुकूल भाव पाकर या शरीर से कोई संवेदना पाकर सुख पाने की आशा बनी हुई है, उसके स्थान पर स्वयं में सही समझ, सही भाव स्थापित हो जाए, जिससे सुख की निरंतरता हो जाए, निश्चितता हो जाए। हम सबकी जो मूल चाहना है वो यही है कि हम हर क्षण सुखी रहें। उसके लिए कार्यक्रम तय करने की बात, तो ये दिखता है कि सुख का अर्थ यही हुआ कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, अगर उसमें लय होता है, सामंजस्य होता है, संगीत होता है, व्यवस्था होती है, तो मैं उसी में बने रहना चाहता हूँ, यही सुख है। इसके अन्यथा होता है तो मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। जिस स्थिति से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ उसी को नाम दिया दुख, जिस स्थिति में बने रहना चाहता हूँ निरंतरता में, उसी को नाम दिया सुख। ये भी दिखता है कि कोई अनुकूल संवेदना मिलती है हमें, उसमें हम बने रहना नहीं चाहते निरंतर, उसमें एक सामयिकता होती है, एक समय के लिए चाहते हैं, उसके बाद उसके बाहर निकलना चाहते हैं। उसको सुख भी कहें नहीं कहें, ये भी अपने आप में तय करने की बात है। वैसे ही दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाकर जो हम सुखी होने जाते हैं, उसके लिए भी जो हमें कार्यक्रम बनाना पड़ता है, शरीर से, सुविधा से, उसको भी हम निरंतर बनाए रखना नहीं चाहते, उससे भी हम बाहर निकलना चाहते हैं। उसे भी है ना एक नाम दे सकते हैं, उसे क्षणिक सुख कहें या उसे सुख भी ना कहें, क्योंकि एक स्थिति है हमारी। तो सुख एसेंशियली क्या है अगर देखें तो हारमोनी है, लय है, संगीत है। इस बात को हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस बात को हम अपने आप में वेरीफाई कर सकते हैं। इतना हो सकता है कि शरीर से मिलने वाली संवेदना से या दूसरे से मिलने वाले भाव से सामयिक रूप से हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए हार्मनी हो जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, पर उसमें निरंतरता नहीं हो पाती, क्योंकि उसका आधार नहीं है, सही समझ सही भाव के रूप में आधार नहीं है। ये बात अपने आप को ऑब्जर्व करनी है। तो जिसको अभी हम सुख माने हुए, वह क्या है, और जब हम जांच पाते हैं तो सुख के रूप में क्या दिखाई देता है, ये बात स्वयं में तय करने की है। इस पूरी जांच परख से कल दिन भर में जो आपके अंदर जांच परख हुई, कल ये हम लोगों ने असाइनमेंट लिया था कि इसको अपने आप में हम देखें, है ना, इन सुख के तीन स्रोतों को, कि अभी हम कहाँ जी रहे हैं, अभी हम कितना स्वयं में सही समझ सही भाव के लिए काम कर पा रहे, कितना ये बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे। तो एक्साइटमेंट और स्थिति को देखते हैं, तो ये जो शरीर से अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने का प्रयास है, या दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का प्रयास है, इसको देखें तो एक्साइटमेंट है, क्योंकि इसमें क्षणिकता होती है, ये उठता है और फिर गिर जाता है। तो जो भी हमारी स्थिति बनती है, एक समय तक बनी रहती है, फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, उसको नाम दिया एक्साइटमेंट, टेम्पररी हैप्पीनेस। तो जब हम शरीर से कोई अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने जाते हैं, तो सुविधा का प्रयोग करते हैं, कंजम्पशन होता है उसमें फिजिकल फैसिलिटी का, और उसमें कुछ फेवरेबल सेंसेशन हमें मिलता है, जो इन पांच रूपों में मिल सकता है, शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, है ना, इससे मिल सकता है। और इसमें यह भी दिखाई देता है कि शुरू में ये आवश्यक व रुचिकर लगता है,
ये अनावश्यक हो जाता है, भले उसकी रुचि हमें मिलती रहती, फिर ये अरुचिकर हो जाता है और फिर कुछ समय के बाद असहनीय हो जाता है। तो इसमें एक क्रम दिखाई देता है। जैसे हम भोजन को लें, भोजन हमें शुरू में आवश्यक और रुचिकर लगता है, एक सीमा के बाद पेट भर जाता है, फिर भी अगर हम खाएं तो वो अनावश्यक हो जाता है, परंतु तो भोजन का स्वाद हमें मिलता रहता है। उसके बाद भी यदि हम कंज्यूम करें तो वो अरुचिकर हो जाता है। वही जो चीज़ हमें मीठी लग रही थी, अब वो हमें चुभने लगती है, तीखी लगने लगती है, तो अरुचिकर हो जाता है, उसका स्वाद भी चला जाता है। उसके बाद भी यदि खाएं तो असहनीय हो जाता है। तो एक किसी भी ऐसी वस्तु को हम देखें सुविधा के रूप में और उससे मिलने वाली संवेदना के रूप में, तो वहां पे एक क्रम दिखाई देता है। तो ऐसे ही दूसरे से मिलने वाले भाव को अगर बात करें ना, तो उसमें भी एक टेम्परेरीनेस दिखाई देती है, कि इससे हमें ध्यान मिल जाए, तो हमारी ओर ध्यान दे दे, कि इससे हमें अप्रिशिएशन मिल जाए। यहाँ पे भी आप पाएंगे कि दूसरे से ध्यान पाने के लिए या अप्रिसिएशन पाने के लिए फिर हमें शरीर के स्तर पर या सुविधा के स्तर पर कुछ करना पड़ता है, ताकि दूसरा हमारी ओर ध्यान दे दे, है ना, दूसरा हमारी अप्रिसिएशन कर दे। और शरीर के स्तर पर या सुविधा के स्तर पर जो भी कुछ भी हम करते हैं उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाते कि नहीं, उसको करके देखेंगे तो पाएंगे उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, कर भी नहीं पाते, कर भी नहीं सकते, और उसमें बार बार उसमें बदलाव लाना पड़ता है। जैसे एक ही चीज को देखकर कोई व्यक्ति एक बार ध्यान दे सकता है, हर क्षण तो ध्यान नहीं देगा, फिर अगली बार ध्यान खींचने के लिए क्या करेंगे। वैसे किसी सुविधा के लिए कोई अप्रिशिएट कर सकता है, एक बार कर सकता है, दो बार कर सकता है, ऐसा कि यदि हर बार करे तो हमें लगता है कि अप्रिसिएशन नहीं कुछ और है, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी हो ही नहीं सकती। तो ये दिखाई देगा आपको कि शरीर सामयिक है, सुविधा सामयिक है, इसलिए उससे मिलने वाली उपलब्धि भी सामयिक है। जिसमें निरंतरता है वो सही समझ सही भाव है, इसलिए उसमें निरंतरता की उपलब्धि है, उससे मिलने वाली उपलब्धि की भी निरंतरता है। तो दो तरह की वास्तविकताएं हैं, एक है जिसमें निरंतरता है, एक है जिसमें सामयिकता है। तो शरीर सामयिक है, सुविधा सामयिक है, उससे मिलने वाली उपलब्धि भी सामयिक है। मैं निरंतर हूँ, इसको हम धीरे धीरे और आगे जांच पर करेंगे, परंतु थोड़ी प्रस्तावना आप तक पहुंची है। जिन्होंने UHV2 का वर्कशॉप किया है उनको और बारीकी से बात ध्यान जाई होगी। तो मैं निरंतर हूँ, सही समझ निरंतर है, सही भाव निरंतर है, इसलिए उसकी उपलब्धि भी निरंतर है। तो हमारी मूल चाहना तो निरंतरता की है, मैं निरंतर हूँ, मैं निरंतरता चाहता हूँ। ये एक मेजर शिफ्ट अपने को लेना है, सामयिकता से शिफ्ट होकर निरंतरता में जाने का। हमारी मूल चाहना निरंतरता है, तो कार्यक्रम भी हमारा निरंतरता के अर्थ में बने। ये सामयिक से निरंतर कैसे जुड़ता है ये समझने की बात है। इसको जैसे जैसे हम अभ्यास एक और अभ्यास दो में जाएंगे तो हमको और स्पष्ट होगा कि सामयिक से निरंतर कैसे जुड़ता है, वहाँ जुड़ाव कैसे है ना? तो मैं शरीर से कैसे जुड़ा हुआ हूँ, निरंतर सुख के साथ शरीर या सुविधा कैसे जुड़ी है, इसमें कोई जुड़ाव भी है या नहीं, है ना, किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये बातें और स्पष्ट होंगी। परंतु ये दो अलग अलग डोमेन है, एक में निरंतरता है, एक में सामयिकता है, एक में टेम्पररीनेस है, एक में कॉन्टिन्यूटी है। तो इसमें देखें कि इसमें जो पहले दो स्रोत लिखे हैं, कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी यानी सुविधा का जो कंजम्पशन करते हैं, या दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाने का प्रयास करते हैं, ये बाहर से हम लेने जाते हैं, इसमें टेम्पररीनेस होती है। और इसमें चूंकि सुखी निरंतरता होती नहीं और हम चाहते हैं निरंतरता, तो फिर कैसे पूरा होगा, तो उसमें फिर क्या होता है कि हम उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे भोजन ले रहे हैं तो उससे लगता है कि इसी से सुख मिल जाए, हर बार मिल जाए, तो ओवर ईटिंग करते हैं, शरीर से अनुकूल संवेदना मिल रही, सोने से ओवर स्लीपिंग करते हैं। और इस पूरे क्रम में क्या होता है कि अल्टीमेटली अपने आप में सुख की निरंतरता नहीं बन पाती, तो फिर हम उससे परेशान भी होते हैं। और कई बार क्या होता है, आप पाएंगे कि इस पूरा करने जब जाते हैं तो हमारे व्यवहार में चूक होती है,
हमारे काम करने के तरीके में चूक होती है, सुविधा के प्रयोग में चूक होती है, पूरे हमारे जो दृष्टि बनता है जीने में उसके ही चूक हो जाती है, तो उसका हम दुख भी भोगते हैं। तो उससे फिर निकलने के लिए कई ऐसी चीजें कंज्यूम करने लगते हैं जो परेशानी पैदा करती है शरीर के लिए भी और संबंध के लिए भी, जैसे गुटखा लेने लगे, टोबैको लेने लगे, अल्कोहल लेने लगे, कई बार ये भी दिखाई देता है लोग ड्रग्स लेने लगते हैं। अब ये एक तरह से देखें तो क्या हुआ कि हम जिसमें सामयिकता थी, जिसमें निरंतर सुख प्राप्त करने गए, मिला नहीं, तो उसके क्षोभ में उसकी परेशानी बढ़ गई हमारी और दुख और बढ़ गया। एक समय के बाद वो हमें कई बार दिखता नहीं है सीधे सीधे, बट हम जो योजनाएं बनाते हैं, जो कार्यक्रम बनाते हैं सामयिक से निरंतर सुख पाने के लिए, उसमें हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। तो उससे फिर हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, उससे हम भागते हैं। तो फिर ये यहाँ पे दिखाई देता है कि हम जब उससे भागते हैं वो भी टेम्पररी रहता है, क्योंकि तो यदि हमें निरंतर सुख की स्पष्टता न हो और हम उसके लिए कार्यक्रम बनाते हैं सामयिक वस्तुओं से, फिर उसका हमें क्षोभ होता है, परेशानी होती है, फिर उससे निकलने जाते हैं, परंतु आशा वही बनी हुई है कि सुख तो वही है, तो फिर हम लौट के वहां जाते हैं। तो ये एक चक्र में घूमने लगता है, हम टेम्पररी हैप्पीनेस पाने जाते हैं, मिलता भी है बट टेम्पररी मिलता है, परंतु उसके लिए जो योजना कार्यक्रम बनाते हैं उससे हमारी परेशानी बढ़ जाती है, तो फिर हम उसे निकलने का प्रयास करते हैं। जब निकलने का प्रयास करते हैं तो फिर हम लौट के इसके टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए काम करने जाते हैं, और ये एक क्रम जैसा बन जाता है। ऐसे को जीव चेतना कहा, इसी को जीव चेतना कहा। तो ये बात अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि नहीं, इसको देख लीजिए। मतलब यदि आप सुविधा से मिलने वाली संवेदना से मिलने वाले सुख को बनाए रखने का प्रयास देखें, तो इतिहास में एक से एक उदाहरण दिखाई देते हैं। तो रोम का एक शासक हुआ है नीरो, नीरो के बारे में बताते हैं कि उसको भोजन का स्वाद बहुत प्रिय था, तो भोजन से स्वाद पाने के लिए, उसे सुख पाने के लिए वो बहुत तरह के पकवान बनाता था महल में, फिर इसको खाता था। फिर जब उसका पेट भर जाएगा तो उसमें वैद्य पाले हुए थे, उन वैद्यों की वजह से फिर वो वॉमिट करता था, उल्टी करता था, पूरा पेट साफ करता था, और फिर इसको है ना भोजन दोबारा लेता था, और इस भोजन जिसे वो कहता था दोबारा लेता था, और ये दिनों दिन तक कार्यक्रम चलता था भोजन को लेकर। वैसे ही नीरो के बारे में बताते हैं कि उसको आंखों से दृश्य इतना प्रिय था कि एक बार उसके अंदर विचार आया कि ये जो रोम साम्राज्य है अगर ये जला दिया जाए तो इसका दृश्य कितना सुंदर होगा। तो उसने पूरे रोम में आग लगा दी, पूरे बस्ती में आग लगा दी, और अपने कमरे की बालकनी में बैठकर उसको देखता रहा, बांसुरी बजाता रहा, क्योंकि उसको दृश्य प्रिय लग रहा था। अब इस तरह के एक्सट्रीम कार्यक्रम बन जाते हैं यदि हम संवेदना सुखी होने जाए तो। अभी आप देखिए 20 मिनट के लिए, 25 मिनट की प्लेजर के लिए, टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए लोग स्पेस है ना में डाइविंग कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, ठीक, और उसके लिए अपना 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का लगाने को तैयार है। अब ये ओवर कंजम्पशन है, हम 20 मिनट के प्लेजर के लिए इतना बड़ा अमाउंट लगाने को तैयार हो जाते हैं, और फिर वो आ कहाँ से रहा है, तो इसके लिए हम संग्रह करते हैं, शोषण करते हैं, समाज का, प्रकृति का दोहन करते हैं, ऐसा बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो सोचते जब हैप्पीनेस में देखें तो जिसको हम लोग स्वभाव कह रहे हैं, तो सही समझ सही भाव जो है ये हमारा स्वभाव है, जो हमारा इनेट नेचर है, जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का सोर्स है, और टेम्पररी एक्साइटमेंट जिन चीजों से मिल रहा है वो प्रभाव है, और इस प्रभाव में हमको सामयिकता दिखाई देती है, अनिश्चितता दिखाई देती है, क्षणिकता दिखाई देती है, परतंत्रता दिखाई देती है। तो इन दोनों बातों को अपने को ठीक से ऑब्जर्व करना है ताकि हम इससे बाहर निकल पाए, और इससे बाहर निकल पाना भी मुख्य मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा है कि हम अपने स्वभाव में स्थापित हो पाए। अगर जितना जितना हम स्वभाव में स्थापित होते हैं उतना उतना हम सहज रूप से इससे बाहर निकल पाते हैं। तो स्वयं में सही समझ सही भाव के लिए काम करना है, और अभ्यास 1 और 2 में मूलतः हम लोग यही करने वाले हैं कि अगर हम पहले अभ्यास में देखें तो अपने भाव के प्रति सजग होकर स्वयं को समझने का काम करने वाले हैं,
अभ्यास दो में देखें तो मैं और शरीर इन दोनों के अस्तित्व को ऑब्जर्व करते हुए शरीर से आने वाली संवेदना को जो अर्थ दे रहे हैं उसमें कैसे परिमार्जन है उसको समझने का काम करने वाले, यानी अपने स्वभाव को समझने वाले। इन्होंने लिखा है मध्य मार्ग, नहीं मध्य मार्ग की बात नहीं हो रही है बल्कि सही मार्ग की बात हो रही है। तो कई बार हम जब बीज की स्थिति निकालने जाते हैं तो हम फिर दोनों की मात्रा में तुलना करके बीज की एक मात्रा चुन लेते हैं, तो मुद्दा वो फिर एक अलग दिशा में जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमें बीज की एक स्थिति चुन लेनी है, हमें तो सही स्थिति चुननी है। सही चुनने जाते हैं तो बीच में भी हो सकता है ना, पूरी तरह से भी किसी एक पक्ष में हो सकता है। तो कई बार ये भी होता है कि जो हम मध्य मार्ग को सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा टेम्पररी एक्साइटमेंट भी ठीक है और थोड़ा कॉन्टिन्यूटी भी ठीक है, ये भी उसका एक मीनिंग हो सकता है।